मेरा नाम फरवाज खान है, मैं पढ़ के अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। नमस्कार, मैं सुमित शर्मा आप लोगों का एक बार फिर ग्रो भारत चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जिनका नाम है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोडायफर्स, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए, ये जो टर्म्स हैं इनके नाम क्या बहुत मिलते जुलते नाम हैं, और हमेशा क्या होता है जब अपन इन टर्म्स को पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्या आइसोबार्स क्या है, आइसोटोप्स क्या है, आइसोडायफर्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है, और ये सारे नाम क्या होता है इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो आज हम लोग इसकी डेफिनेशन तो पढ़ेंगे ही, इसकी डेफिनेशन के बीच में एक ऐसे वर्ड का क्लू छोड़ देंगे जिसकी वजह से हमें कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो, मतलब कि हमें ठीक से याद आ जाए कि किस टर्म का क्या मतलब है। तो सबसे पहली टर्म जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, देखो इसके अंदर एक वर्ड है कि टोप, तो हम लोग बोलेंगे जिसकी टोपी में गड़बड़ है वो क्या है, आइसोटोप है। देखिए, अगर किसी भी एलिमेंट को लें, जैसे ये एलिमेंट एक्स है तो इसके नीचे अपन क्या लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर, और ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, इसका मास नंबर। तो जिसके सेम एटॉमिक नंबर है पर डिफरेंट मास नंबर है उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप। यानी कि किसी भी एलिमेंट की अगर टोपी में गड़बड़ हो, टोपी पे क्या होता है मास नंबर, तो अगर उसकी टोपी में गड़बड़ हो तो फिर वो क्या है, आइसोटोप है। तो यहां देखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन, दे आर द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। यहां जो आइसोटोप है वो हमेशा क्या होगा, सेम एलिमेंट होगा, क्योंकि एटोमिक नंबर दो अलग अलग एलिमेंट के सेम नहीं हो सकते। तो किसके सेम हो सकते हैं, सेम एलिमेंट के। तो यहां एटोमिक नंबर क्योंकि सेम है तो एलिमेंट भी सेम होगा, दे हैव सेम एटोमिक नंबर। जिनका नाम नंबर क्या है, एटोमिक नंबर सेम है बट क्या डिफर है, उसका मास नंबर डिफर है। अब जरा थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसे, एक एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, पहला आइसोटोप है प्रोटियम, दूसरा आइसोटोप है ड्यूट्रियम, और तीसरा आइसोटोप है ट्रिटियम। तो अगर प्रोटियम के केस को लें तो प्रोटियम के अंदर जो इसका एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1। ड्यूट्रियम में एटॉमिक नंबर है 1 और ट्रिटियम में भी एटॉमिक नंबर है 1, लेकिन प्रोटियम के केस में इसका जो मास नंबर है वो 1 है, ड्यूट्रियम में 2 है और ट्रिटियम में 3 है। ट्रिटियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो जो ट्रिटियम के केस में इसका कितना है मास नंबर, 3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर सेम है बट क्या डिफर कर रहा है, इसका मास नंबर डिफर कर रहा है। अब थोड़ा अंदर जाके देखें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जब हमारा एटम क्या हो, न्यूट्रल हो। तो यहाँ जो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर अपन लोग देखें तो कितने होंगे, 1 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो भी 1 होगा। लेकिन मास नंबर, मास नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है तो क्या चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है। यहाँ देख लेते हैं, इसका मास नंबर 1 है तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 है। यहाँ इसका मास नंबर 2 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे, क्योंकि 1 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो 1 + 1 = 2। तो यहाँ हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। तीसरे केस के अंदर हमारा मास नंबर क्या है, 3 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 1 ही है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 2 + 1 = 3 इसका मास नंबर है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि जो आइसोटोप है उसके अंदर सेम न्यूक्लियर चार्ज रहता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, जो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं लेकिन डिफर क्या करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप में क्या अंतर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का अंतर होता है। और अगर हम लोग बोलें कि जिसकी टोपी में गड़बड़ होती है, यानी कि जिसका मास नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, सेम एलिमेंट के अंदर मास नंबर अगर चेंज हो तो हम उसे क्या कह देते हैं, आइसोटोप्स कह देते हैं। अब अगली डेफिनेशन पे अपन आते हैं जिसका नाम है आइसोबार्स। देखिए, आइसोबार्स के अंदर भी हम एक वर्ड लेंगे, इसका नाम है बी। आइसोबार के अंदर भी हम एक वर्ड लेंगे जिसका नाम है बी। तो जिसकी बेस में गड़बड़ है उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। अब जैसे किसी भी एलिमेंट को लो, एलिमेंट को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे, नीचे उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर उसका मास नंबर है।
तो जिसके मास नंबर सेम हो जिन एलिमेंट्स के और उसका एटॉमिक नंबर क्या हो डिफरेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे आइसोबार बोलेंगे। और ये कभी भी सेम एलिमेंट का नहीं होगा क्योंकि सेम एलिमेंट के हमेशा क्या रहता है सेम एटॉमिक नंबर रहता है। तो अगर अपन आर्गन के केस में देखें तो जो आर्गन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 18 है और मास नंबर कितना है 40 है। कैल्शियम के केस में उसका एटॉमिक नंबर 20 है और उसका मास नंबर कितना है 40 है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ क्या डिफरेंट है इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। तो जिसके बेस में गड़बड़ है वो क्या है आइसोबार है। दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इन्हें हम क्या बोलते हैं आइसोबार्स बोलते हैं। अब हमारी अगली डेफिनेशन पे आते हैं जिसका नाम है आइसोडायफर्स। देखिए यहाँ पे भी अपन एक वर्ड लेकर चलेंगे डाया। डाया को हम लोग बोलेंगे डिफरेंस। तो यहाँ हम लोग डिफरेंस किसके बीच में बोलेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जिनका डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का क्या रहता है सेम रहता है उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं आइसोडायफर्स बोल देते हैं। जिसका क्या सेम है डिफरेंस सेम है और डिफरेंस किस किस के बीच में सेम है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में। अब एक केस ले लेते हैं जिसमें अपन एक बोरॉन ले लेते हैं और कार्बन का एक आइसोटोप ले लेते हैं। बोरॉन के अंदर अगर अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे जितना भी इसका एटॉमिक नंबर है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके कितने होंगे 5 होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे तो 5 प्लस 6 कितने होते हैं 11 जो कि इसका मास नंबर है। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपने कितने होंगे 6 होंगे। अगर कार्बन के इस केस में देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 6 क्योंकि ये न्यूट्रल है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ कितने होंगे 7 होंगे क्योंकि इसका मास नंबर क्या है 13 है। तो अगर अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स यहाँ निकालेंगे तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन यहाँ कितना आ रहा है 1 आ रहा है जो कि क्या है सेम है। तो हम इसे क्या बोलेंगे आइसोडायफर्स यानी कि जहाँ क्या सेम रहता है डिफरेंस सेम रहता है किसके बीच में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में। ये हमारी डेफिनेशन है आइसोडायफर्स की। अब हम लोग आते हैं एक अलग टर्म पे जिसका नाम है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के अंदर हम लोगों को देखना है एन। इसको हम लोग आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज भी कहते हैं। तब तो आपको पता ही चल जाएगा आइसोन्यूट्रॉनिक मतलब क्या आप सेम बोल रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम बोल रहा है। और कभी आइसो किसी टोन के अंदर बोले तो टोन के अंदर से आप इसे एन को निकाल लेना और एन का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आइसोटोन्स के अंदर क्या सेम है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो आप देखिए हाइड्रोजन का ये आइसोटोप ले लेते हैं मैंने पहले भी बोला था ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है नाम है इसका क्या ट्रिटियम। और एक हम हीलियम का एटम ले लेते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के अंदर जो हाइड्रोजन का ये ट्रिटियम एटम है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 1 होंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1 है। न्यूट्रल स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे और इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 2 होंगे क्योंकि यहाँ इसका मास नंबर कितना है 3 है। हीलियम के केस के अंदर अपन अगर देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 2 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने होंगे 2 ही होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेट में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 2 होंगे क्योंकि इसका जो मास नंबर है वो क्या है 4 है। तो 2 + 2 = 4। तो इस केस में अपन लोगों ने क्या देखा कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है इन दोनों केसेस में वो कैसे हैं सेम है। तो जिन स्पीसीज के अंदर जिन एटम्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं सेम होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं आइसोटोन्स बोलते हैं या आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज भी बोल देते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और मास नंबर है 39। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और मास नंबर है 40। तो अब अगर हम यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 19 होंगे क्योंकि जो भी इसका एटॉमिक नंबर है वही इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। नंबर ऑफ इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे देखिए इसका मास नंबर है 39 तो 19 प्लस 20 कितना होता है 39 होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके कितने होंगे 20 होंगे। और अगर हम कैल्शियम के केस में जाएं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको दिख रहा होगा कि कितने होंगे 20 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 20 होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 20 होंगे क्योंकि 20 प्लस 20 बन रहा है 40 जो कि क्या है इसका मास नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी यहाँ कितने हैं 20।
तो इस केस में अपन लोग क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो इसे हम बोलते हैं आइसोटोन्स। और इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम क्या है इसका, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज या आइसोटोनिक। तो आइसोटोन से आपको आइसोटोनिक भी याद रहेगा, और इसके अंदर हमेशा क्या आ रहा है, एन आ रहा है। न्यूट्रॉनिक से तो आपको पता ही चल जाएगा कि इसके अंदर क्या सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। अब हमारी अगली डेफिनेशन पे आते हैं। अगली डेफिनेशन है हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए आइसो का मतलब ही वैसे क्या होता है, सेम होता है आइसो का। तो यहाँ क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसके अंदर क्या बोल रहा है ये, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। और यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि एटम्स हैं, मैं बोल रहा हूँ एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं। आयन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं आयंस, कि अगर हम इलेक्ट्रॉन ले लें या इलेक्ट्रॉन दे दें किसी एटम को तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो फिर वो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज का यानी कि एनायन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन दे देता है तो फिर वो क्या बनेगा, कैटायन बनेगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो अब हम अगर इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लें, तो क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आ गया तो इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 हो गए। आर्गन के केस के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। अब देखिए वाटर का हम लोग देखें तो वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वाटर का ये मॉलिक्यूल है और इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, 1 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है नंबर, और ये हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2 है। तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, हाइड्रोजन की तरफ से 2 होंगे। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं। तो 2 और 8 कितने बन गए हमारे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर हम अमोनिया का मॉलिक्यूल देख लेते हैं तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 7। न्यूट्रल स्टेट में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही इसके कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो भी होंगे 7। और हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 3 है, एक हाइड्रोजन के पास 1 होता है। तो यहाँ मैंने 3 का सम किया तो कितना बन गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ये कैसी स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब हमारी एक लास्ट टर्म है जिसे हम लोग देख लेते हैं, इसका नाम है आइसोस्टर्स। देखो ये वैसे ही इसका नाम ऐसा लग रहा है, आइसो सिस्टर्स, तो सिस्टर्स हैं। तो देखिए ये किससे मिलके बने हैं, कुछ एटम से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, सिस्टर्स हैं, मतलब कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं सिस्टर्स के वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और सिस्टर्स का एक और चीज़ है कि यहाँ पे हमारा ई भी आया है तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए, जैसे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम थे। तो अब देखिए ये दोनों सिस्टर्स हैं या नहीं है, तो अगर अपन CO2 को देखें तो 1 और 2 कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, सेम है। यहाँ पे 2 और 1 कितने हैं, 3 हैं, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कैसे हैं, सेम हैं। तो अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे दोनों केसेस में सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी देख लेते हैं। अगर नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होंगे तो हम इन्हें क्या बोल देंगे, आइसोस्टर्स, यानी कि आइसोसिस्टर्स या आइसोस्टर्स, ठीक है। तो आइसोसिस्टर ये हैं या नहीं है, तो इसे पता करने के लिए इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। कार्बन में क्या है, 6 है। ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 हैं। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने आ जाएंगे, 22 आ जाएंगे। और यहाँ अगर हम लोग देखें इसके अंदर तो नाइट्रोजन के अंदर कितने हैं, 7 हैं, और नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। तो फिर यहाँ कितने बन गए, 14 + 8, और इधर भी 22। तो आइसोस्टर्स क्या होते हैं, इन्हें हम लोग वैसे प्रोनाउंस करें बोलें तो आइसोसिस्टर्स क्या होते हैं, वो बहनें जिनके नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो, सेम हो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो, सेम हो, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, आइसोस्टर्स बोल देते हैं। अब उम्मीद है मुझे कि इन कोड वर्ड्स को अगर आप याद रखेंगे इन टर्म्स के साथ तो कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस चीज़ का क्या मतलब है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।